नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वे ऑफ करियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसका हमारा साइंस में हमारा टॉपिक होगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस में जो बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम पढ़ाते हैं जीव विज्ञान क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजी की अब परिभाषा सुनिए आप। ठीक है, क्या होती है बायोलॉजी की परिभाषा, ये देखिए। सबसे पहले परिभाषा देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अध्ययन की जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान की खोज किसने की थी, ये की थी कोरलिनियस ने 1736 में। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसने किया था इसका प्रयोग, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। बायोलॉजी, अब देखिए बायोलॉजी का अर्थ को समझिए आप। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का अर्थ, बायो का अर्थ है जीव, और लॉजी लॉजस, लॉजस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है लॉजस या फिर अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, देखिए अर्थात जीवों का वह अध्ययन की विज्ञान जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, जीवों का अध्ययन की विज्ञान क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए जीव विज्ञान को यहाँ से दो भागों में बांटा गया है, एक होती है जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी, और एक होती है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी को नॉर्मली पता होगा इसके बारे में। अब सबसे पहले देखिए जूलॉजी का मतलब क्या आता है, जू प्लस लॉजस, यह है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है जूलॉजी, जिसका अर्थ एनिमल्स और लॉजस। ये जू जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एनिमल्स, और लॉजस का अर्थ होता है डिस्कोर्स यानी कि अध्ययन, यानी कि एनिमल्स का अध्ययन ये क्या होता है, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब देखिए परिभाषा की बात करें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या वो क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जो जंतु विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना और उनकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में बात करी जाए जंतु विज्ञान का जनक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 किस्म के जंतुओं का वर्णन किया है, जो इनकी, देखो अब अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी थी, यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, हिस्टोरिया एनिमिलिया, ये किसने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी। इसमें 500 किस्म के जंतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन को अब क्या पढ़ना है, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान देखिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है दोस्तों, ग्रीक भाषा से हुई है, इसकी बेसकिन, ग्रीक भाषा का जो शब्द है बेसकिन, उससे हुई है, जिसका अर्थ है चरना। अब इसकी परिभाषा देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना और उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे, अब देखिए अपने उसमें अरस्तु को कहा गया था जंतु विज्ञान का, इसमें देखिए जो थियोफ्रेटस है इसको माना जाता है, थियोफ्रेटस है उसको माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया था। अब देखिए वनस्पति विज्ञान पे पुस्तक किसने लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेटस ने लिखी थी। अब एक नोट है इंपॉर्टेंट, ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा, मानव रोगों का पहला लेख लिखने के कारण चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है, हिपोक्रेटस को। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, मानव रोगों का पहला लेख किसने लिखा था, हिपोक्रेटस ने, और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, हिपोक्रेटस को। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से अपना आता है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इन शाखाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किसमें किसके अंतर्गत क्या आता है। एपिकल्चर में क्या करते हैं अपन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन। इकोथोलॉजी में मछली पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में अपन करते हैं पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी में अपन करते हैं फलों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है ऑर्निथोलॉजी में अपन करते हैं पक्षियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में
उसके बाद में आता है एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। सिविकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ठीक है दोस्तों, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है, तो ये इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में एक और नोट है इंपॉर्टेंट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेवरेनस नामक जर्मन वैज्ञानिकों ने किया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जीव विज्ञान का सबसे पहला सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक से, ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया था, तो सबसे पहले किया था 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवरेनस नामक वैज्ञानिक ने, जो जर्मन के थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करते हैं एंजाइम की। शरीर के अंदर वे प्रोटीन जो जीवित कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं, ये एंजाइम शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपन मत्स्य पालन की। मत्स्य पालन, जल में रहने वाले जीव, वे जीव जो मछली की प्रजाति के होते हैं, जैसे तारा मछली, मेडेरियन मछली, लायन मछली, विद्युत रे, समुद्री घोड़ा आदि। जबकि मछली पालन में मछली के ऊपर अध्ययन किया जाता है, मछली पालन में तो मछली के ऊपर अध्ययन किया जाता है, लेकिन मत्स्य पालन में जल में रहने वाले जो जीव जो मछली की प्रजाति के होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एंजाइम देखिए, एंजाइम की खोज कुहने नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका नामकरण वुकनर ने किया था। ठीक है, और सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीव विज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से देखिए आप, जीव विज्ञान में विभिन्न शाखाओं के जनक, मतलब कि कौन सी शाखा का जनक कौन है। जीव विज्ञान का जनक मैंने आपको बताया था अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान का क्या है? थियोफ्रेस्टस, और जीवाश्म की का है? लियोनार्डो द विंची। ये नाम याद नहीं होते, लेकिन एग्जाम में ये नाम पूछते हैं, तो आपको ये बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है सुजन निकी का एमगोल्टस, आधुनिकी वनस्पति विज्ञान का लीनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर, आनुवंशिकी का ग्रेगर जोन मेडल, आधुनिक आनुवंशिकी का TH मार्गन, कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद में जंतु विज्ञान का अरस्तु अभी बताया था, वर्गीकी का लीनियस, चिकित्सा शास्त्र का हिपोक्रेटस, और उत्पाद वर्धनात् का ह्यूगो डी ब्राइद, कवक विज्ञान का माइकेली, पादपकारिकी का स्टीफन हेल्स, जीवाणु विज्ञान का ल्यूवेन होक, और सूक्ष्म जीव विज्ञान का कौन है? लुईस पास्चर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो आपको आज विज्ञान की पहली क्लास हुई थी दोस्तों, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, और ये नोट्स की PDF आपको मैं बाद में एक वीडियो में दे दूंगा, ये जितने भी नोट्स में पढ़ाऊंगा उसकी PDF आपको मिलती जाएगी। देखिए दोस्तों, धन्यवाद।